Hello, hi, welcome to my channel Bread Butter Toast. Hit the bell icon and subscribe the channel. Okay, so आज का एपिसोड है कि स्टार्ट कहां से करें. I'm the coach of the Indian national women's team. जिस देश के नाम सुनाई देते ना दिखाई देते सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया. जो बिगिनिंग में एक्टिंग करने के लिए सोचते हैं उनको समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करें. जैसे मैंने भी जब ये यूट्यूब चैनल खोला तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहां से करूं. तो मैंने क्या किया, मैंने वैसे छोटे छोटे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद मैंने नॉन वर्बल वीडियो बनाना शुरू किया. उसके बाद बहुत दिन बाद जाके मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग ओरिएंटेड वीडियो बनाना शुरू करने की जरूरत है. लेट मी टेल यू दैट what is this, I am going to roast myself today. I am a representative of middle class, Mr. Atmanirbhar. क्योंकि आपके जिंदगी का आपका जो मकसद है, जो आप करना चाहते हैं, उसका एक गोल होना, पर्टिकुलर गोल होना बहुत जरूरी है कि आप ये, जिसलिए मैंने आपको पहले एपिसोड में पूछा था कि आप क्यों एक्टिंग करना चाहते हैं या चाहती हैं और कब आपको लगा कि आपको एक्टिंग ही करना है और एक्टिंग आपके लिए क्या है. तो बहुत कम लोगों ने मुझे जवाब दिया और तो ये सारे सवाल आप एक बार खुद अपने आप से पूछें तो आपको जरूर एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, क्योंकि आपको एक वजह मिलेगी. जैसे मान लीजिए कि आपने एक बीज, एक किसी भी पौधे का बीज आपने मिट्टी पे डाला, तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है. स्टार्टिंग पॉइंट वो है कि आपने सोचा आपको एक पौधा लगाना है, तो वो पौधा क्यों लगाना है आपको, तब आपने सोचा. फिर आपने हो सकता है इंटरनेट पर रिसर्च किया कि कहां मिलेगा वो बीज, या फिर हो सकता है आपने दुकान में जाके पूछा, फिर वो बीज आपने खरीदा, फिर आपने लगाया. तो स्टार्टिंग पॉइंट वहां से है, इसीलिए आप थोड़ा सोचे क्यों आप करना चाहते हैं. ओके, सो इसके बाद हो सकता है कि आपको मिल गया लेकिन आप कैसे शुरू करें पता नहीं है, पता नहीं चल रहा है. तो ऐसा बहुत होता है कि आपके पास आज मोबाइल फोन अवेलेबल है, बिल्कुल. जैसे भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैंने सर्च किया है, मैं तो बहुत नया हूं यहाँ पे और मैं भी ऐसे ही करता हूं. अभी मैं आपको बाद में कभी मेरा जो सेटअप है उसको दिखाऊंगा. मैं बिल्कुल एकदम कम सेटअप में काम करता हूं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं वो सोचना बहुत जरूरी है. तो आप एक मोबाइल से शॉर्ट फिल्म बनाए, एक लिंक मैं नीचे दे दूंगा. मैंने अभी हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म बनाया और मेरे पापा जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं किया और जो एक वक्त मुझे कहते थे सरकारी नौकरी कर लो, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लेके वो शॉर्ट फिल्म किया है. जाओ 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 अंकल, अंकल आप एक मिनट अंकल अंकल आप एक मिनट, हम तो बोला है आपको कुछ नहीं चाहिए. आप अरे अंकल मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट. बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए, सुबह सुबह से डिस्टर्ब मत करो अंकल. उसका लिंक नीचे है, आप जाके देख सकते हैं. वो घर पे मैंने किया है, एडिटिंग भी मोबाइल पे ऐप है बहुत सारा, आप बैठ के यूट्यूब पे देख के सीख सकते हैं क्या है. लेकिन आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा. मैं बार बार यही कह रहा हूं आपको. तो आप शॉर्ट फिल्म बनाए दो दोस्तों के साथ, खुद बनाए. मैं भी कितना ट्यूटोरियल शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, या बहुत सारे चीज है ऐसे जो देख के आप सीख के खुद बना सकते हैं. शुरू तो करें आप. हम बहुत डरते हैं कि हम कहां से शुरू करें, हमें नहीं पता ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा. और बहुत लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक कर रहे थे, अभी टिकटॉक कितने कर रहे हैं पता नहीं, फेसबुक पे कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं, कविता पढ़ते हैं. तो आपको शुरू अगर करना है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा करने की इच्छा मन में होनी चाहिए. अगर घर पे बैठ के आप सो के सोचेंगे कि यार एक्टिंग करना है, यार कैसे करूं, कोई बता नहीं रहा है, कोई आपको आके ऐसे चम्मच से ऐसे स्पून फीड कर जो कहना होता है ना, वो करके आपको नहीं बता देगा कि आपको कैसे करना है, आपको कैसे करना है, क्या करना है. आपको लोगों को ऐसे लोगों के दरवाजे पे नॉक करके आपको जरूरत है पूछने की कि करना क्या है मुझे. और नॉक करने के लिए आपको किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है. YouTube आप देखें, YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं. आज इंटरनेट हमारे ऐसे कर लो दुनिया मुट्ठी में बिल्कुल अवेलेबल है. तो इंटरनेट पे सर्च करें आप, आपको जिस पे जानने की इच्छा है. अगर आप आपको लगता है कि आपने कभी डॉक्टरी नहीं पढ़ा लेकिन डॉक्टरी के ऊपर आपको कुछ जानना है कुछ टॉपिक्स,
तो आप इंटरनेट पर सर्च करें आपको तुरंत मिल जाएगा। आपने कभी थिएटर नहीं किया, थिएटर के ऊपर सर्च करें तुरंत मिल जाएगा, कहां कौन सा थिएटर है, क्या चल रहा है, ईच एंड एवरी डिटेल, देयर इज ईच एंड एवरी डिटेल इन द इंटरनेट। सो उस पर आप थोड़ा गौर करें, सोचें। और ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हैं थिएटर करना, या चाहती हैं आप कि मैं थिएटर करूं और फिर मैं उसके बाद कई इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ूं, या मैं सिर्फ थिएटर ही करूं, लेकिन मेरे शहर में थिएटर है नहीं, तो मैं स्टार्ट कहां से करूं। देखिए, आपके शहर में है नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये पर्सनल चीजें आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जो वहां बैठे हुए हैं, आपके पास आपको लगता है आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके पापा मम्मी बहुत ही कम पैसे, महीने के 4-5 हजार रुपए कमाते होंगे, घर बहुत ही सिर्फ चावल दाल खा के घर चलता है, लेकिन आपके पास सपना है, तो आप निराश ना हो, क्योंकि सपना जो होता है ना, उसका कोई हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास का अलग सपना नहीं होता, सपना सबका एक ही होता है। और सपना जो है वो दिन में देखना बहुत जरूरी है, रात को तो हम ऐसे सो के ऐसे सपना देख रहे हैं और मैं अरे अरे मैं किससे मिला, ओहो हो अरे आप आ गए, अरे अरे मैं तो जुरासिक पार्क, अरे हैरी पॉटर से मिल गया, ओहो हो गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर मैं चल रहा हूं, आंख ऐसे खुला, फिर आपने क्या देखा सामने, आपके मम्मी जो है वो चाय लेके खड़ी है, या फिर पापा बोल रहे हैं कि ओ टोटो ब्रश कर सुबह। लेकिन दिन में सपना देखना, उसके लिए भागना, किस हद तक आप जा सकते हैं, किस हद तक आप कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो कल किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि सर मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो क्या मैं पॉपुलर एक्टर बन सकती हूं। तो सपना, आपका सपना जो है वो हायर क्लास होना चाहिए। आप मिडिल क्लास से हैं, आप बिल्कुल गरीब हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पापा पैसे कमाते नहीं तो आप सपना नहीं देख सकते, किसी ने कहा है, बिल्कुल नहीं। तो मैं भी आप जैसा ही हूं, मैं आज इतना एक्सपीरियंस गेन करके आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आप भी आगे जाके किसी को बता पाए, आप भी इन एक्सपीरियंस को अपने हिसाब से ले, और आपको अपना क्या करना है, मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूं कि आप कहां से शुरू कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, शुरू आप कहां से करें वो आपकी जिम्मेदारी है, आप कहां से शुरू करें। तो मैं भी हफ्ते में 2 दिन 500 रुपए देके एक्टिंग सीखने 2011 में कोलकाता आया करता था गांव से, और वो पैसा भी मुझे मम्मी देती थी, पापा देते नहीं थे बिल्कुल। तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरे गांव में तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरे पास सपना था, करना था कुछ, और अभी भी जहन में बहुत कुछ है कि मुझे करना है, अभी मुझे बहुत आगे जाना है। आज इस सिचुएशन में मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ, बार बार ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो सपना है, अभी ये कोरोना का माहौल है और आपका सपना खत्म ना हो जाए, आप कहीं ना सोचें, कभी ना सोचें कि यार आगे तो क्या होगा, पता नहीं, कुछ पता नहीं। एक लाइन है, बहुत अच्छा एक लाइन है, पाश जो कवि है उनका लिखा हुआ, कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो सपना नहीं मरना चाहिए, इस आप अभी आज इस वक्त से सोचना शुरू करें कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। अगर गांव से दूर थिएटर है, आज नहीं जा पा रहे हैं तो बाद में जाएंगे, लेकिन जाइए, पैशन है, लड़िए। मम्मी पापा आपको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो आपका पैशन है, आपका डेडिकेशन है कि उनको मजबूर कर दें कि वो आपको सपोर्ट करें, और एक दिन वो प्राउड फील करें, क्योंकि हर मम्मी पापा अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए प्राउड फील करते हैं और वो चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा जिंदगी देखा है, वो शायद जिस दौर से गुजरे हैं, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और जो हम लोअर क्लास जब भी हम सोचते हैं, हम बात करते हैं, ये सिर्फ पैसों की बात है, तो उन्होंने शायद सपना नहीं देखा, या उनको लगता है अगर ये भी सपना देखे और सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि ये एक्टिंग जो करियर है, जो प्रोफेशन है, इसमें सक्सेस कब आए, कैसे आए, कहां तक आए, पता नहीं। आप लोग इंस्पायर बहुत होते हैं नवाज सर और इरफान सर को देख के, लेकिन वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत देर तक किया, और सभी लोग बहुत देर तक करते हैं। तो मम्मी पापा चाहते हैं कि जो हमारा बेटा है, बेटी है, वो थोड़ा पढ़ाई कर ले, एक नौकरी कर ले, ताकि सेफ साइड रहे,
सेफ होना जिंदगी में, ये प्रोफेशन सेफ्टी जो है बहुत कम है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, आप अगर अटैक नहीं करेंगे तो गोल नहीं कर पाएंगे। हमेशा अगर डिफेंस पे खेलेंगे, डिफेंस स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन अटैक नहीं करेंगे तो गोल कैसे करेंगे या छक्का कैसे मारेंगे? अटैक करना भी जरूरी है, तो अटैक सब लोग नहीं कर पाते। आपको उस मेंटेलिटी से सोचना है कि मैं अपने मम्मी पापा को राजी करवाऊं, और वो राजी ऐसे होता है कि मतलब एक बूंद पानी के भी अगर उससे भी 10 बूंद ऐसे छोटे छोटे किया जाए, मतलब मैं जब खांसता हूं तो जैसे छोटे छोटे वो बूंद ऐसे निकलते हैं जो आंखों से दिखते नहीं, उतने बूंद 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 से एक बाल्टी पानी जमा होने में कितना दिन लग जाएगा। तो वैसे ही होता है ये ग्रोथ, धीरे 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 ग्रोथ होता है। तो स्टार्ट कहीं से भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मैंने आपको कई सजेशन दिया इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, क्या जानना है। अगर आपको पढ़ना है तो किताब पढ़ें, अच्छे अच्छे बहुत सारे किताब हैं। मैं आगे कुछ एपिसोड्स में आपको बताऊंगा भी क्या आप पढ़ सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं। अच्छा म्यूजिक सुने, जो सिंगर हैं वो तो गाना ही गाते हैं, तो क्यों ना बाथरूम से निकल के थोड़ा ट्राई करें, सुबह थोड़ा रियाज कर लें और उसके बाद आप एक रिकॉर्ड करें और डालते रहें। क्योंकि लोग धीरे धीरे देखेंगे, जब आप धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे तो लोग आपको देखना शुरू करेंगे। आपका काम अच्छा होगा तो बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, लोग देखने के लिए बैठे हुए हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट मुझे लगता है आप लोगों के लिए इतना काफी है। आप लोग अभी इस वक्त से शुरू कर दे बस, बिना कुछ सोचे। ओके, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और अगले एपिसोड में मिलते हैं। ओके, बाय।